बिल्कुल, क्योंकि जी एवरेज है जब आप मैक्सीम कह लिए कि 14 राउंड ही होने ने, पर जोड़े कुछ देहाती इलाके है जिन्होंने साडा जलंधर जिले का शाहकोट है ज नकोदर हलका जिथे जोड़े ज्यादा पोलिंग स्टेशन सन 250 तो वह उन्होंने थावान उत्ते एक दो राउंड जोड़े आद हो सकते हैं, पर एज एन एवरेज असी मन के चलिए तो 14 राउंड हर एक हल्के वास्ते होने। खास गल है कि इस बार एक जोड़ा हल्का आ उसकी गिनती दो थावां दे उत्ते होणी है, कहण दा भाव कि अगे एको हाल दे विच 14 टेबल लगते सन, हुण 7-7 टेबल लगणगे। एक हाल दे विच एक तो लैके 7 नंबर तक दे टेबल होणगे, दूसरे दे विच 8 नंबर तो लैके 14 नंबर तक दे जिहड़े आ ओह टेबल होणगे, क्योंकि कोविड दे मद्देनज़र जिहड़ियां इलैक्शन कमिशन दीआं हिदायतां हैगीआं ने उसकी पालना करदे हां हरेक हल्के दे वास्ते दो दो हाल होणगे, जिन्हां दे विच काउंटिंग जिहड़ी आ ओह सवेरे 8 बजे तो शुरू हो जाणी है। तां जिहड़ा एक एक घंटे दे बाद सारी तस्वीर जिहड़ी आ ओह क्लीयर होणी शुरू हो जाणी है। 11 बजे तक शुरुआती जिहड़े रुझान असीं कह सकदे हां कि सामने आउणे शुरू हो जाणगे कि किहड़े हल्के तो किहड़े उम्मीदवार दा पलड़ा भारी हुंदा नज़र आ रिहा है। वैसे तां तकरीबन जिहड़े 8 ग्राउंड तक सारी सिचुएशन जी लगभग क्लीयर होनी शुरू हो जाती है। जेकर असी पिछले इलैक्शन की नज़र मारीे तो 8 ग्राउंड तक 8-9 राउंड तक लगभग जी लीड बन जाती है, उसको फिर अखीरले राउंड्स के तोड़ना जोड़ा है दूसरे उम्मीदवारों के वो सौखा नहीं होंगे, वो एक चुनौती बन जाती है। पर 8 बजे ईवीएम मशीन खुलनगियां, कि उम्मीदवार की किस्मत खुलेगी, तमाम जानकारी माझे का हाल भी जाणांगे। आप दुआबे का हाल जान लिया पीटर तो, एक गल बड़ी इंटरस्टिंग इतने रहने वाली है, इस बार लीड का बड़ा ध्यान रखा जाएगा कि लीड जी बन गई है वो लीड टुटेगी कि नहीं टुटेगी। जो बहुकोणी मुकाबला होवे उदो लीड जी है वह ज्यादा थोड़ू मिल नहीं पाती, अगले राउंड दे विच की हो सकता किसी को कुछ पता नहीं है। जे लीड वड्डी हुंदी है तां जिसकी लीड ज्यादा हुंदी है उन्हूं तरवास रहिंदा कि आ लीड जी टुटनी बड़ी औखी है, जे टुटेगी नहीं तो घट्टो घट बराबर तक जरूर आ जाएगी। माझे दे की हालात ने, माझे दे विच की तैयारी है, इस बारे गलबात करन दे लई सीधा अमृतसर चलते हैं। साडा मनिंदर मोंगा जुड़े हुए हैं। मनिंदर, थोड़े तो मैं माझे का हाल जरूर जानना चाहना, किस तरह दीआं तैयारियां ने माझे दे विच? जिवें मैं कह रहा सीगा कि इस बार जित हार का मार्जन है जिहड़ा वह बड़ा नैरो रहने वाला है, सो इस गल करके 14 दे 14 राउंड डिसाइडिड होणगे। यह नहीं कह सकते तुसीं कि 10 राउंड तो बाद तुसीं नतीजा ऐलान दोगे कि आ जित रहा, जिथे मार्जन बड़ा थोड़ा रहेगा। पहला यह होंदा सीगा कि 10 राउंड होने तो बाद जे लीड तुहाडी 10,000 15,000 20,000 है तुसीं ये तय मंदे सीगे कि आ उम्मीदवार जित गया, आ लीड टुटनी नहीं हुण। मैनूं लगता है कि इस बार घट ही सीटां ते अजिहा कुछ देखण नूं मिलेगा। बिल्कुल हरप्रीत, यह पहली बार होया कि पंजाब दे विच विधानसभा चोणां दे दौरान चार कौनी मुकाबला होया, जिथे अकाली भाजपा इस वारी अलग अलग होकर लड़े ने, उत्थे आम आदमी पार्टी कांग्रेस भाजपा अते चौथी धिर जिहड़ी है वह भी नज़र आ रही है। तो चार कांग्रेस तो चार धिरां जिहड़ियां नज़र आ रही हैं। इस तों अलावा किसान जथेबंदियों वालों भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। तो प्रबंधा की गल करन तों पहलां असीं पोल हुई वोटां की गल करांगे कि जे असीं सरहदी जिले अमृतसर की गल करिए तां 11 विधानसभा हल्कियां लई कुल 13,41,87 वोटर ने, माफ करना 78 वोटर ने अपने वोट पाने के हक की वरतों की, यानी कि कुल 65.87% पोलिंग जी है हुई है, जिन्हों में सब तो वध हल्का अजनाला तो 76% और सब तो घट हल्का दखनी तो 50% के करीब जी है वह पोलिंग हुई सी। तो गिनती केंद्र की गल करिए तो 11 विधानसभा हल्कों लिए 11 गिनती केंद्र बनाए गए हैं, जिथे अजनाला ते बाबा बकाला च आपो अपने हल्कों में गिनती केंद्र बनाए गए हैं। उत्थे बाकी सारे रेंदे 9 विधानसभा हल्कों के लिए अमृतसर शहर के वख-वख स्कूलों कालजा विच गिनती केंद्र बनाए गए हैं, जिथे पैरामिलिट्री फोर्सिस ते पंजाब पुलिस का सख्त पहरा है। 3 घेरे जिहड़े है सुरक्षा दे तैनात किए गए हैं गिनती केंद्र के अंदर, और जेकर बाहर की गल करिए 500 मीटर के घेरे के कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, नाकाबंदी की गई है और किसी नूं भी अपने वहीकल के अंदर आन की इजाजत जी है वह नहीं दी जा रही। इत्थों तक कि रिटर्निंग अफसर नूं भी अपनी गड्डी जी है बाहर पार्क करके अंदर जाना पऊ, किसी नूं भी चाहे मीडिया है मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाऊगी। हर गिनती केंद्र च मीडिया सेंटर एक तैयार किया गया है, जिथे तक जाके मीडिया पल पल की जानकारी जी है वह उत्थों हासिल कर सकता हर राउंड की। जितों तक तुम राउंड की गल की है तो साढ़े नाल जो जानकारी साझी की गई जिला चोण कमिश्नर जो जिला चोण अधिकारी वालों, उस अनुसार जिस विधानसभा हल्के के गिनती केंद्र विच टेबल घट ने, क्योंकि ज़्यादातर विधानसभा हल्के के गिनती केंद्रों में 14-14 टेबल यानी कि 2 हाल तैयार किए गए हैं, हर हाल के 7 टेबल लगाए गए हैं, पर जिन्हें विधानसभा हल्के के टेबल घट ने जिस तरह राजासांसी के 10 टेबल ने तो उत्थे जो राउंड है वह 20 तो भी वध हो सकते हैं, पर एवरेज क्योंकि 14 टेबल ने तो ज़्यादातर हल्के की गिनती जी 14 राउंड के ही
समाप्त हो सकती, पर जे कुल नतीजे की गल करांगे तो एक तो दो बजे तक पूरे चोन नतीजे जिहड़े है वो आ जाणगे। पूरी मनिंदर एक छोटा जिहा सवाल, मनिंदर माझा अपने आप दे विच बड़ियां सारियां हॉट सीट समोह के बैठा होया, जिहड़े एग्जिट पोल आए ने, एग्जिट पोल तो बाद बड़ियां चर्चावां होईयां होणियां ने, सियासी सफ़ेयां दे विच चर्चावां होईयां, पर लीडरां दा की रिएक्शन है भावें सारियां पोलिटिकल पार्टियां, जिहड़ा धिर दा हथ एग्जिट पोल दे विच उच्चा हुंदा है वह तो एग्जिट पोल नूं सही मंनदा है, पर जिन्हां नूं नंबर घट मिलदे ने वह एग्जिट पोल ते भरोसेयोगता ते सवाल जरूर चुकदे ने, उस ते कई तरह के किंतु परंतु आए होणे इत्थे भी। बिल्कुल जाहिर जी गल है, जिस तरह ज़्यादातर एग्जिट पोल वालों आप उत्ते दर्शाया गया तो आप दे खेमे विच कुछ ही लहर है, पर बाकी सारिया पार्टियां वालों इस एग्जिट पोल का विरोध किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए आए सन, उन्होंने इतों तक के एग्जिट पोल बैन करन तक की भी मंग की, इसन आधारहीन दसिया। और निल जोशी जो कि हल्का उत्तरी तो उम्मीदवार ने, उन्होंने भी इसे तरह बेबुनियाद दसद्या एग्जिट पोल ये कहा कि यह हवा बनाने का जोड़ा वो एक फ्रेम तैयार किया गया सी ताकि सट्टा मार्केट जी है उसनों प्रभावित किया जा सके, तो अलग अलग रिएक्शन जोड़े है वो वक् वक् आगुओं के सामने आ रहे हैं। कांग्रेसी आगुओं वालों भी ज़्यादातर जो है एग्जिट पोल का विरोध किया गया, इसनों झूठ फ्रेम दसया गया, इसनों कुछ पक्षपात करते हुए भी दसया गया, पर आम लोगों की गल करिए तो आम लोग भी इसते यकीन करते नज़र नहीं आ रहे। हालांकि कितनी सरकार बनू, कैड़ी पार्टी कि सीटा लू, यह थर्मामीटर किसे कोल नहीं कि कोई इस समय तो पहला इस बारे ऐलान कर सके, इस बारे दावा कर सके, पर लोग ये कहते जरूर सुने हैं कि यह जी कोई गल जड़ी है और नजर नहीं आ रही कि इनिया ज्यादा सीटा खास करके माझे 2017 एग्जिट पोल की भरोसेयोगता से सवाल जरूर चुके जाते हैं। जिवें मनिंदर मोंगा भी दस रहे थे कि जे पंजाब के संदर्भ से तुसी गल करो तो पंजाब के संदर्भ के एग्जिट पोल ने जिहड़े ये फेल ही साबित होंदे ने, इस करके भावें वह आम लोग होण या पोलीटिकल पार्टियां होण वो इसते भरोसा जल्दी जल्दी नहीं करदियां, हालांकि वह पोलीटिकल पार्टी का जरूर भरोसा करेगी जिस पोलीटिकल पार्टी को एग्जिट पोल जिहड़े ने वो नंबर वध दे रहे हैं। एक बार डैस्क से जल्दी जल्दी गल कर रहे हैं, अपने को समा घट है, मालवा डैस्क आ सब तो पहला मैं ये दस दवा कि आह बैल है, कल इस बैल नूं साह नहीं आना क्योंकि जदों 8 बजे तो बाद रिजल्ट आने हैं तो यह जी घंटी है लगातार वजदी रहनी है, ये जरूर पता है। मीत तो पुछते हैं, पहला भी तुसी मालवे की जानकारी सांझी की थी, की लगता कि कदों तक तस्वीर साफ हो सकेगी? इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक चंगा काम किया कि मीडिया सेंटर बना दिते ने हर हल्के बाद, तो लगता है थोड़ा कि उस नाल जल्दी नतीजे पता लग जाएंगे? जिस तरीके दा तुसी गल बेहद अहम सवाल है कि नतीजे कदों तक पता लगनगे, 11 बजे या 11:30 या 12 बजे, लगता कि 12 तो बाद तस्वीर जी क्लीयर होगी। वो दो रीज़न है, एक तो कैंडीडेट बहुत ज़्यादा है कि नहीं बहुत तेरी मुकाबला हैगा, दूसरा यह है कि मार्जिन जो हाईएसट वोट हैगी बहुत घट रहन वाली है, मार्जिन तो घट रहन वाली है लेकिन हाईएसट वोट जी हैगी भी बहुत घट रहन वाली है, जिदे करके आखिरी राउंड तक यह हो सकता है कि मुकाबला बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्योंकि इस बार मैं जिस तरह पहले ही कहा कि इस बार बहु कौनी मुकाबला है और उस तो बाद जड़ियां धिरां ने जड़ियां वो धिरां बड़ियां ज़्यादा ने, सब का इंतजार रहेगा कि नतीजे कदों आते हैं, जो लीड मिलनी शुरू होएगी वो लीड भी थोड़ी रहेगी, जब तक मुकाबला देखा जा रहा है ये लग रहा है कि इस बार लीड है जी वो भी थोड़ी रहने वाली है, जे लीड थोड़ी रहेगी तो अगले राउंड के टुट भी सकती है, इस करके पहला निर्धारित कर देना कि ये उम्मीदवार बाजी मार गया वो मैं लगता कि थोड़ा जल्दबाजी होएगी। सो तमाम जानकारियां थोड़े तक लगातार पहुँचाते रहेंगे इस डैस्क के जरिए, 117 विधानसभा हल्कों के साड़िया टीमों के जरिए साडा खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे, पोलीटिकल पार्टियां के लोग भी जुड़े रहेंगे, तमाम जानकारियां सब तो पहला किसदा पंजाब 2022 सिर्फ तो सिर्फ PTC न्यूज़ से। धन्यवाद।